खींचने की जरूरत है, इसको अभी सैराब करने। खानदान अजीजी का अपना, खानदान उस्मानी का अपना, पीपीएस पर सिलेबस रनिंग अंडर द सुपरविजन। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, सच्ची पेश करना चाहते, मैं क्या बोलता हूं, झूठ से मुराद की जहां जाके साल भर के अंदर, दो साल के अंदर हकीम अजमल खान ने अपनी टिक के साथ साथ सारे वार्ड हुकूमत को वापस किए। तुमने हमारी देसी टिबों को चैलेंज कर दिया। कहां जाएंगे सिद्धा के लोग, कहां जाएंगे होंगे हकीम अजमल खान के बारे में? तो उनको जो फीडबैक दिया गया, हार्डिंग को ये इतला दी कि आप तिबिया कॉलेज आयुर्वेदिक यूनानी के सिर्फ हकीमों का यूनानी डे नहीं है। देखो आज हम फिफ्थ वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके ऑर्गेनाइज़र जो हैं, ये डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुष J&K ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। तो जो फिफ्थ यूनानी वर्ल्ड यूनानी डे है, ये आज मैं अपनी तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूँ, स्पेशली यूनानी फ्रेटर्निटी को। ये दिन जो है, ये हकीम अजमल खान साहब जो कि एक बहुत बड़े स्कॉलर, फिलासफर और यूनानी सिस्टम के बहुत बड़े हकीम हुए, उनके बर्थडे पे ये यूनानी डे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि ये वर्ल्ड यूनानी डे ऑन 11th of February एवरी ईयर ये सेलिब्रेट किया जाएगा, जो कि हम इसको सेलिब्रेट आज यहाँ कर रहे हैं। और मेरा अपनी तरफ से सारी यूनानी फ्रेटर्निटी को ये मैसेज है कि जो हकीम अजमल साहब खान साहब के बताए हुए प्रिवेंटिव एंड क्योरेटिव आयुष, स्पेशली यूनानी सिस्टम आयुष के हेल्थ केयर की जो उनका प्रिंसिपल्स थे, उसके ऊपर चल के हमें अपने इस सिस्टम को, जैसे उन्होंने इस ट्रेडिशनल सिस्टम को अपने टाइम अंग्रेज़ों के सप्रेशन के बावजूद, जबकि मॉडर्न सिस्टम बहुत प्रिवेलेंट था, उनको इसको जीवित रखा और लोगों को ये समझाया कि ये जो है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो साइंटिफिक सिस्टम है और ये अपना ट्रेडिशनल सिस्टम है, इसको इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की और लोगों में इसका बहुत फ़ायदा हुआ। आज भी कश्मीर में ये सिस्टम बहुत प्रिविलेंट है और आज एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आज ही के दिन हमारा पहला बैच गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में पहुंच चुका है। ये हमारे लिए आज के दिन, हकीम अजमल खान साहब के बर्थडे के दिन, ये हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ये दिया है। और इसमें जो हमारी पैटर्नेज और गाइडेंस रही है, वो वर्दी फाइनेंशियल कमिश्नर जनाब अतल डुल्लू साहब के कारण ये आज पॉसिबल हुआ है कि हमारा फर्स्ट बैच के बच्चे जो हैं एडमिशन लेने जा रहे हैं और यहाँ पे इस कश्मीर डिवीज़न में ये सिस्टम अच्छा खासा ग्रो करेगा। मेरा यही सबको मैसेज है। थैंक यू।